डिफरेंस करना है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग सुनिएगा ध्यान से, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग होता क्या है, किसका बात कर रहे हैं लोग, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग सुनिए अच्छे से समझिए। पहले तो अकाउंटिंग का आप डेफिनेशन बताइए। अकाउंटिंग का बहुत सारा डेफिनेशन है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग, समझ पा रहे, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग, ये सब है। सिंपल भी डेफिनेशन था कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, समझ पा रहे, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, समझ पा रहे, पहला अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, फिर क्या, रिकॉर्डिंग, कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कम्युनिकेटिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ऐसे है भाई कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कम्युनिकेटिंग ऑन फाइनेंशियल, जो डेफिनेशन अच्छा वो लगे लिखी। क्या अकाउंटिंग क्या भाई, एक कला है, अकाउंटिंग माने हिसाब किताब लिखना, हिसाब किताब लिखना, जिसके माध्यम से हम डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, क्लासिफाइंग कर देते हैं, जाके लिखते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, समझे, फिर एक जगह उतारते हैं और फिर जिससे हमको कम्युनिकेट करना रहता है डेटा पे कम्युनिकेट करते हैं, इसको क्या कहेंगे हम लोग, अकाउंटिंग। क्या कहेंगे, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन एकदम सिंपल है, एक कला है लिखने का जिसके माध्यम से हम डेटा को लिखते हैं और जो भी रिजल्ट्स आता है हम अपने इंटरेस्टेड पार्टी से बात करते हैं, इसको कहते हैं अकाउंटिंग। ऑडिटिंग तो अभी भी समझेंगे, ऑडिटिंग में भी डिफाइंड है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम जब जांच करेंगे, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट को जब जांच करेंगे, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जांच करेंगे, उसे हम कहते हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के जरिए क्या करते हैं हम लोग, जो अकाउंट्स बना है उसको जांच कर लेते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना उसको क्या करते हैं, जांच कर लेते हैं, इसे हम क्या कहेंगे भाई, ऑडिटिंग। क्या कहेंगे हम लोग, ऑडिटिंग। अच्छा ऑडिटिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऑडिटिंग तो हर काम का होना चाहिए कि काम सही से हुआ या नहीं हुआ, समझे, ऑडिटिंग हर चीज का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो ऑडिटिंग हो रहा है किसका हो रहा, जो हिसाब किताब लिखा गया है, जो बना है वो ठीक है या नहीं, उसको कहते हैं ऑडिटिंग। अकाउंटिंग जो करेगा उसे क्या कहेंगे भाई, अकाउंटेंट। क्या कहेंगे हम लोग, अकाउंटेंट। जो ऑडिटिंग करेगा उसे क्या कहेंगे, ऑडिटर। क्या कहेंगे हम लोग, ऑडिटर। तो वर्क परफॉर्मड बाई, वर्क परफॉर्म बाई कौन, अकाउंटेंट, ऑडिटर, अकाउंटेंट, ऑडिटर, समझ रहे हैं, हां सर। गवर्नड बाय, अकाउंटिंग को लिखने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग को लिखने के लिए क्या फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एएसए। ऑडिटिंग को करने के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ऐसे फॉलो करते हैं, इसके लिए एएस, इसके लिए एसएसए। उसके बाद हम लोग क्या समझे थे भाई, पर्पज क्या है, पर्पज, पर्पज ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग को करने का, अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग को करने का ये ऑब्जेक्टिव है कि हमारा परफॉर्मेंस को शो करेगा, परफॉर्मेंस माने रिजल्ट, नेट प्रॉफिट कितने हुए हैं, नेट लॉस कितने हुए हैं, रिजल्ट्स को कहते हैं परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को बताएगा हमारा, प्रॉफिटेबिलिटी को बताएगा, फाइनेंशियल पोजिशन को बताएगा कि हम लोग का पोजिशन क्या है, ये कौन बताता है, अकाउंटिंग। और ऑडिटिंग कौन बताएगा भाई, फैक्ट को, सच्चाई को दर्शाएगा, ट्रू एंड फेयर, सारा काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा, ये कौन दर्शाता है, ठीक है। अच्छा अकाउंटिंग का जो पीरियड होता है ये कंटिन्यूअस होता है, अकाउंटिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि डे टू डे रिकॉर्डिंग का ट्रांजेक्शन होता है, डेली का ट्रांजेक्शन हम लिखते हैं कहाँ पे, अकाउंटिंग में, कहाँ पे लिखते हैं, अकाउंटिंग। और ये कब होता है भाई, ऑडिटिंग, ये पीरियोडिक प्रोसेस होता है, पीरियोडिक का मतलब होता है या तो एंड ऑफ द ईयर होगा, या तो अभी तो बताए इंटरिम ऑडिट किस तरीके से होगा, मतलब पीरियोडिक टाइम टू टाइम होता है, समझ पा रहे हैं, या तो साल के अंत में होगा, साल के अंत में होगा।